हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो गाइस, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स हमने स्टार्ट किया था, इसका पार्ट वन ऑलरेडी अपलोडेड है, तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में इन केस आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो। अब ना, लास्ट क्लास में मैंने आपको ये होमवर्क दिया था और इसमें आपको बताना था कि डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी। डब्ल्यू क्या है? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कह लो, नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस कह लो, है ना, या फिर माइक्रो स्टेट्स, डीजनरेसी, सब एक ही बात है। तो इसका आंसर ना 1 होने वाला है। और मैं कमेंट्स चेक कर रही थी लास्ट वाले वीडियो के, तो उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने आंसर 1 ही बोला है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ना इसका आंसर बोल रहे हैं इन्फिनिटी। और रीज़न शायद कुछ ऐसे दे रहे हैं कि क्योंकि इसके अंदर अगर हम ग्रुप थ्योरी से जाएंगे तो इसमें ये वाली एक्सिस कौन सी है? सी इन्फिनिटी है। तो इसमें सी इन्फिनिटी है इसलिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस होंगी, ये ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ओरिएंटेशंस का मतलब है कि अगर हम इसके एक क्रिस्टल ले लें, पूरा कंसीडर कर लें इसको, तो ये कितने तरह से खुद को अरेंज कर सकता है। तो सिंपल सी चीज़ देखो, हमने CO मॉलिक्यूल लिया था, है ना, मैंने यहाँ से इसको स्टार्ट करवाया था, तो इसमें दो तरह के ओरिएंटेशंस पॉसिबल थे, या तो कार्बन ऑक्सीजन इस तरफ है, या फिर ऑक्सीजन को यहाँ रखो, कार्बन को यहाँ पर रखो, इस तरह से हम दिखा सकते हैं। अगर आप ये बोल रहे हो कि सी इन्फिनिटी, मतलब थोड़ा सा रोटेट करोगे नई ओरिएंटेशन आएगी, एक चीज़ देखो, आपको भी देखने में लग रहा है कार्बन हाइड्रोजन, एक्चुअल में तो क्या होता है, मैं कुछ इस तरह से दिखाऊँ, इसको लेट से मैंने H को ऐसे दिखा दिया, ये H है, है ना, और कार्बन को मैंने कुछ ऐसे दिखा दिया, फिर ये कार्बन है और फिर ये H है, ठीक है। अब जब ये स्फीयर्स अगर हैं, तो अगर आप इनको रोटेट करोगे तो स्फीयर तो स्फीयर ही रहने वाला है, वो तो चेंज करेगा नहीं, तो रोटेशन से कुछ नहीं होगा, कार्बन अपने प्लेस पर रहने वाला है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो आप सिंपल सी बात ध्यान में रखो कि अगर आपके पास कोई लीनियर मोलिक्यूल है, ध्यान से देखो, लीनियर मोलिक्यूल की बात मैं कर रही हूँ, अगर लीनियर मोलिक्यूल है ना, तो आपके पास दो तरह के लीनियर मोलिक्यूल्स हो सकते हैं। एक तो वो जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा, जैसे कि ये वाला है, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें, या फिर ऐसे होंगे जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगा। अब एक चीज़ और देखना, मैं मोलिकुलर प्लेन की बात नहीं कर रही हूँ, अगर लीनियर मोलिक्यूल है तो ये मोलिकुलर प्लेन तो सब में होगा ही होगा, जो सारे एटम से पास करेगा, मैं इस वाले प्लेन की बात कर रही हूँ। तो अगर ऐसा है जो कि सिमेट्रिकल मोलिक्यूल अगर होगा, तो उसमें POS भी होगा, ठीक है, है ना। तो हम बात कर रहे हैं, अगर आपकी ये सी इन्फिनिटी एक्सिस यहाँ पर है, तो जो इसका ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना, इसकी हम बात कर रहे हैं, तो अगर उसमें POS प्रेजेंट है तो उसके लिए W की वैल्यू 1 होगी, और अगर POS प्रेजेंट नहीं है, जैसे CO वाला केस है अपना, CO में क्या है, POS तो है नहीं, ये कार्बन या ऑक्सीजन है, दैट मीन्स इस वाले केस में W विल बी 2। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि रोटेट करके देखे नहीं देखे क्या करना है, तो आप इस तरह से कर लो, ठीक है। गाइस, एक और चीज़ थी, मैंने ना ये वाला एग्जांपल करवाया था आपको लास्ट क्लास में, और यहाँ पर ना बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पॉइंट आउट भी करा है कि मैंने लिख तो दिया यहाँ पे FClO4 और मैंने बनाया सारे FClO3 करके स्ट्रक्चर से सारे, है ना, तो यहाँ पे ना मैंने गलती से लिख दिया, ये FClO3 ही है, स्ट्रक्चर मैंने सही बनाया है, वो गलती से लिखा गया FClO4, ठीक है। चलो, ये वाला पोर्शन हमने कर लिया कवर, अब ना हम स्टार्ट करते हैं आज वो वाला टॉपिक जहाँ से एक्चुअल में क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है कि जो पहले पढ़ा था वहाँ से नहीं आते, वहाँ से भी आते हैं, बट यहाँ से भी आपको कई बार क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो अपना आज का टॉपिक रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स, आज हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स। और मैं आपको फिर से एक बार सजेस्ट करूंगी कि अगर आप सिंसियरली इस चैप्टर को फॉलो कर ही रहे हो, तो साथ साथ अपने नोट्स बनाते हुए चलो, उससे ना रिवाइज करना ईजी रहता है, और कॉन्सेप्ट्स को जब आपको लगे ना कि रिवाइज करना है वापस या भूल गए कुछ ना कुछ, तो आप जल्दी से देख सकते हो उसको। तो अगर नोट्स बनाते हुए पढ़ोगे, खुद से भी कुछ पॉइंट्स ऐड करोगे उसमें, ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा वो। तो आज हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स। अब जैसे हमने लास्ट वाली क्लास में ये कहा था कि हमने डब्ल्यू की बात कर रहे थे, क्योंकि मेन पॉइंट ये है, हमने रेजिडुअल एंट्रोपी पढ़ने वाले हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसमें ना रेजिडुअल एंट्रोपी होता है इज इक्वल टू KBLnW, है ना। मैंने आपको अभी तो सिर्फ ये फॉर्मूला लिखवाया, इसके बारे में कुछ डिस्कशन नहीं किया, बट हम ना इसके ऊपर अटके हुए हैं, ये W के ऊपर। W क्या होता है? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, या फिर डीजेनरेसी। तो हमने यही निकालना सीख रहे हैं। लास्ट वाली क्लास में हमने देखा था, अगर हमें कोई मोलिक्यूल दे रखा है और अगर हमें उसकी ओरिएंटेशन निकालनी है, जैसे अपना FClO3 हो गया, CO हो गया, या फिर हमने बेंजीन के कुछ आइसोमर्स देखे थे, है ना, तो ये वाले केसेस में हम W निकाल सकते हैं। अब सेकंड टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि अगर आपके पास पार्टिकल्स गिवन हैं, तो आप W की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उसको हम बोल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स, निकालेंगे आज भी हम W की ही वैल्यू। तो अब ना कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं ना, अभी आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब भूल जाओ, अब बिल्कुल ना हम सिंपल बात कर रहे हैं, बिल्कुल जनरल डिस्कशन है, केमिस्ट्री का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। मैं ये बोल रही हूँ, जो पार्टिकल्स हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं, और इनको ध्यान से समझना। सबसे पहले तो डिस्टिंग्विशेबल,
अगर आपने कभी ट्राई किया है इस चैप्टर को पढ़ने का तो आपको ना ये वाली टर्म्स पता होंगे, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स और इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। एक डिस्टिंग्विशेबल है, एक है इनडिस्टिंग्विशेबल। अब ना केमिस्ट्री अभी हम स्टार्ट नहीं कर रहे, अभी सिंपल मैथ्स देख रहे हैं और सिंपल जो अपनी जनरल ऑब्जर्वेशंस होते हैं उन सबको कंसिडर करके चैप्टर को पढ़ना हमने स्टार्ट किया है। डिस्टिंग्विशेबल का मतलब होता है जिसको आप डिस्टिंग्विश कर पाओ, यानी कि जिसमें आप डिफरेंस बता पाओ। सपोज करो मैंने एक तो बना दिया ट्राइंगल, ठीक है, एक बना दिया स्क्वायर, एक बना दिया सर्कल। ये तीनों आपको अलग अलग दिख रहे हैं, है ना, इनको मैं बोल रही हूँ डिस्टिंग्विशेबल। यानी कि आप बोलोगे ये ट्राइंगल है, ये स्क्वायर है, ये सर्कल है, कह दोगे ऐसे। अगर मैं सारे ही ऐसे बना दूँ, ये मैंने ये स्फीयर्स बना दिए, सर्कल बना दिए सारे सारे, क्या आप बता सकते हो कि जैसे मान लो सपोज करो ऐसे समझो इस चीज़ को, अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ठीक है, मैंने इस तरह से बना रखा है ना। अब मैं अगर आपको बोलूँ कि आप ना आँखें बंद करो अपनी एक बार, ठीक है, आँखें बंद करो, और जैसे ही अपनी आईज़ को क्लोज कर रहे हो, मैंने क्या किया, जो ये वाला सर्कल था उसको मूव करके यहाँ पहुँचा दिया मैंने, और इस वाले को यहाँ पहुँचा दिया। अब ना वापस अपनी आईज़ ओपन करो, अब देखो आपको कुछ डिफरेंस लगा? नहीं लगा। हालांकि मैंने रब करके दोबारा बना दिए ये, मतलब आप ये लगा लो पोजीशन मैंने चेंज कर दी, मान लो इसको यहाँ लेके आ गई, इसको यहाँ लेके चली गई, आपको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि पहले भी वाइट सर्कल था, अभी भी वाइट सर्कल है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ अभी आप अपनी आईज़ बंद करो एक बार, और मैंने कुछ ऐसे कर दिया ये ऐसे करके, और मैं बोलती हूँ आईज़ ओपन करो, आप देखो, अब आप ये कहोगे कि पहले इनिशियली ऐसे था, सर्कल यहाँ पर था, स्क्वायर यहाँ पर था, आपने चेंज कर दिया इसको, तो आप डिस्टिंग्विश कर पाए ना कि पहले कुछ और था, अब कुछ और है, है ना। तो इनको हम बोल रहे हैं डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, जिनको आप डिस्टिंग्विश कर पाओ, और एक हमारा हो गया इनडिस्टिंग्विशेबल, जिनको चेंज करते रहो, कुछ पता ही नहीं चलने वाला, ठीक है। इसको जैसे मान लो मैंने बोल दिया वोटर है यहाँ पर, ठीक है, ये है। अगर मैं इसको यहाँ से रोटेट भी करवा दूँ तो क्या होगा, ऐसे आएगा ये, आप कहोगे जी जैसे पैसा वैसे अभी भी है, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, मैं तो रोटेट करवा चुकी हूँ, क्योंकि दोनों एच एक ही जैसे हैं, तो इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, नहीं कर सकते ना। तो वही वाली बात है, डिस्टिंग्विशेबल और नॉन इनडिस्टिंग्विशेबल दो टाइप के पार्टिकल्स हो गए, क्लियर है। अब ना आज वाली क्लास में हम डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिनको हम देख के डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, चाहे वो किसी के भी बेसिस पे करें, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे करें, उनकी शेप के बेसिस पे। हम पार्टिकल्स बोल रहे हैं, पार्टिकल्स कैसे बोल सकते हैं, ठीक है, मान लो मैंने बॉल्स कंसीडर कर ली सपोज, ठीक है, मैं बोल रही हूँ तो ये वाइट बॉल है, ऐसे ऐसे कुछ, एक दूसरे वाली बॉल इसमें कुछ इस तरह का टेक्सचर है सपोज, ऐसे करके कुछ। तो मतलब कुछ भी करो, चाहे किसी भी बेसिस पर डिस्टिंग्विश करो, उसको आपको डिफरेंस दिखना चाहिए, तो उनको हम बोल रहे हैं डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, ठीक है, ओके। अब ना हमने डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल तो समझ लिया क्या होते हैं, अब हम देखेंगे इनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करवाते हैं, ठीक है। अभी हम पार्टिकल हमने समझ लिया, अब हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अभी सबसे पहले जैसे सपोज करो मैंने आपको बोला कि हमारे पास ना तीन लेवल्स हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, जैसे मान लो मैंने बोला आपको तीन लेवल्स हैं हमारे पास, सही है, और आपके पास ना मान लो दो पार्टिकल्स हैं, आपके पास दो पार्टिकल्स हैं, आपको इन दो पार्टिकल्स को अरेंज करना, एक काम करो बोल बना देते हैं ऐसे करके, एक ये वाली बोल है, एक ये वाली बोल है, आपके पास ये दो बोल्स हैं, अलग अलग दिख रही हैं, है ना, मतलब डिस्टिंग्विशेबल हैं, तो इनको आपको अरेंज करना है, जैसे मन करे वैसे अरेंज कर लो। तो बहुत सारे हम रीअरेंजमेंट्स, बहुत सारे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन दिखा सकते हैं यहाँ पर। एक चीज़ माइंड में रखना, इससे पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जैसे हमने लास्ट क्लास में बात करी थी क्लासिकल की और क्वांटम की, है ना, वहाँ पर हमने बोला था कि ये माइक्रो पार्टिकल से बेसिकली हम डिस्कस कर रहे होते हैं यहाँ पर, उनके बारे में डिस्कशन होता है, यहाँ पर हम माइक्रो लेवल पर डिस्कस कर रहे होते हैं, ये हमने देखा था। अब ना अगर मैं बात करूँ एनर्जी की, तो इनमें एक मेजर डिफरेंस होता है, वो ये, क्लासिकली हम ये बोलते हैं कि हमारे पास जो एनर्जी होती है, एनर्जी इज कॉन्टीन्यूअस, आपने सुना भी होगा एनर्जी इज कॉन्टीन्यूअस, और यहाँ पर क्वांटम में हम बोलते हैं एनर्जी इज डिसकॉन्टीन्यूअस या फिर क्वांटाइज्ड, एनर्जी इज डिसकॉन्टीन्यूअस या फिर क्वांटाइज्ड। क्या मीनिंग है इसका, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो देखो, हमने 1D बॉक्स पढ़ा हुआ है, मैंने YouTube पे पढ़ा रखा है, ट्रांसलेशनल मोशन जिसमें हम डिस्कस कर रहे होते हैं, 1D बॉक्स पार्टिकल इन 1D बॉक्स, है ना। वहाँ पर क्या होता है, अगर हम लेवल्स की बात करें तो हम ये बोलते हैं, लेट्स से ये n इज इक्वल टू 1 यहाँ पे चल रहा है, एनर्जी कितनी होगी इसकी, h स्क्वायर अपॉन 8 ml², है ना। लेट्स से हमारा ये सेकेंड लेवल है, यहाँ पर एनर्जी कितनी होगी, 2 का स्क्वायर कर दो, 4 h स्क्वायर अपॉन 8 ml²,
क्योंकि जनरल फॉर्मूला रहता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 एम एल स्क्वायर, है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा अगर एन इज इक्वल टू 3 है तो एन स्क्वायर यानी कि 9 एच स्क्वायर अपॉन 8 एम एल स्क्वायर, कुछ इस तरह से रहता है। मतलब यहाँ पे क्या है, एनर्जी क्वांटाइज है। इसका मीनिंग ये है कि अगर हमारा कोई पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट है मान लो, ठीक है, अगर आप उसको एनर्जी दोगे ना तो बीच में कोई लेवल्स नहीं है, अब आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, जब आप इसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दोगे तो यहाँ से उठ के यहाँ पे जाएगा, ठीक है, उसके बाद ये वाला लेवल अवेलेबल है, मतलब इतनी एनर्जी है, इतनी हो सकती है, इतनी हो सकती है, लेकिन इनके बीच में कोई लेवल्स नहीं है, बीच वाले एनर्जी वाले उस गायब है, है ना, उसको हम बोल रहे हैं कि एनर्जी जो है वो डिसकॉन्टिन्यूस है, क्वांटाइज है, एनर्जी की कुछ ही फिक्स्ड लेवल्स अवेलेबल है, उनके बीच की एनर्जी वैल्यूज है ही नहीं, जबकि क्लासिकल में ऐसा नहीं होता, ठीक है, क्लासिकल में ऐसा नहीं होता, क्लासिकल में मानते हैं कि सारी लेवल्स अवेलेबल हैं, सही है। तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है। अब इसी बेसिस पे ना हम लेवल्स डिसाइड कर रहे होते हैं और लेवल्स के अंदर कुछ पार्टिकल्स को भी डाल रहे होते हैं। मुझे आपको सिर्फ थोड़ा सा ये रिवाइज करवाना था कि क्लासिकली एनर्जी को कॉन्टिन्यूस माना जाता है और क्वांटम में हम बोलते हैं कि कुछ फिक्स्ड लेवल्स अवेलेबल हैं, उसके अकॉर्डिंग होंगे सारे ट्रांजिशन जितने भी होने हैं, ठीक है। तो अभी ना हम एक काम करते हैं, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर ना वैसे हम बात करते हैं स्टेट्स की कि नंबर ऑफ स्टेट्स कितने अवेलेबल हैं, कौन से स्टेट एनर्जी स्टेट्स या नंबर ऑफ लेवल्स कितने अवेलेबल हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, अभी ना हम क्वांटम में या क्लासिकल में जाते ही नहीं, बिल्कुल बेसिक बात करते हैं। जैसे मान लो मैंने आपको ये बोल दिया कि हमारे पास ना ये 3 लेवल्स अवेलेबल हैं, ठीक है, और आपके पास ना 2 पार्टिकल्स हैं, एक तो ये वाला पार्टिकल है, एक ये वाला पार्टिकल है, 2 तरह के पार्टिकल्स अवेलेबल हैं। आपका ना जैसे मन करे इनको अरेंज कर दो, जैसे भी मन करे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे मन करे वैसे कर दो। आप क्या करोगे, हो सकता है आप में से कुछ बोले कि हम तो दोनों को यहाँ रख देंगे, एक को यहाँ रख दिया, एक को यहाँ रख दिया, ठीक है, लेकिन हो सकता है कुछ ये कहेंगे कि नहीं ऐसे नहीं रखेंगे, एक को यहाँ रखेंगे, एक को यहाँ रखेंगे, तो भी कोई इशू नहीं है। फिर हो सकता है कि आप में से कोई बोले कि नहीं ऐसे नहीं कर रहे, काम करते हैं इनको यहाँ रख देते हैं ऐसे ऐसे करके, तो इस तरह से ना हम मॉलिक्यूल्स को या पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सही है। तो यहाँ पर ना हम अभी स्टार्ट कर देंगे क्वेश्चंस फ्रेम कैसे होते हैं, इस तरह से हमें कुछ लेवल्स बनाने हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाना है। तो अभी ना हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा हमें थोड़ा सिस्टमैटिक दिखे उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो पहली बात तो ये है कि हम डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हम पढ़ रहे हैं और उनको डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारे पास अलग अलग लेवल्स अवेलेबल हैं तो उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कितने तरीके से कर सकते हैं। तो जब भी बात होगी डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स की ना, तो हमारे पास अलग अलग केसेस बनते हैं। पहला केस तो ये है कि अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया है तो पहला केस बनेगा नो रिस्ट्रिक्शन का, यानी कि उसमें आपका जैसे मन करे आप पार्टिकल्स को वैसे अरेंज कर दो, जैसे भी मन करे, कोई कंडीशन नहीं है, कोई रूल नहीं है उसको फिल करने का, जैसे मन करे वैसे कर दो, जैसे हम यहाँ कर भी रहे थे। तो इस वाले केस में ना, जैसे अगर आप कोई बुक रेफर करते हो, बुक से पढ़ते हो अगर, तो आप देखोगे वहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एन से रिप्रेजेंट कर रखा होता है। जैसे इस वाले केस में मैंने कहा था कि हमारे पास 2 पार्टिकल हैं, है ना, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के पास 2 थे। इसी चीज़ को बुक्स में लिखते हैं एन इज इक्वल टू 2, मतलब एन क्या है, बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो एन हमारा हो गया, कैपिटल एन हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अभी जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, जिसमें होते हैं 3 स्टेट्स अवेलेबल है हमारे पास, नंबर ऑफ स्टेट्स यहाँ पे हमने कितनी बोली थी हमारे इस वाले एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 3, तो नंबर ऑफ स्टेट्स को एम से रिप्रेजेंट किया जाता है बुक्स में, तो मैं भी सेम फॉलो कर रही हूँ ताकि आपको बुक में पढ़ने से अजीब ना लगे। तो हम नंबर ऑफ स्टेट्स को एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहला केस हमारे पास है कि हमारे पास 3 ये स्टेट्स हैं और 2 पार्टिकल्स हैं, आपको जैसे मन करे जो करना है करो, इनको बता दो कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, है ना। स्टार्ट करते हैं, देखो ये मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, एक ये भी बना चुके हैं हम, एक ना इससे रिलेटेड एक और बना देती हूँ सिमिलर सा। जैसे दोनों मैंने यहाँ रख दिए, दोनों यहाँ रख दिए, दोनों सतह में यहाँ भी रख दूँ ऐसे, ये तीनों पॉसिबिलिटी हैं। इसके अलावा और भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, कौन सी कि एक को मैंने यहाँ रखा, एक को यहाँ रख दिया। इसके साथ साथ एक पॉसिबिलिटी और है कि इसको मैं नीचे रखूँ और इसको ऊपर रखूँ, क्योंकि डिस्टिंग्विशेबल है, मुझे समझ में आ रहा है कौन से वाला कहाँ जा रहा है, दोनों सेम नहीं है, ये है ना, यहाँ पर मैंने क्या करा, इसको लाइन से मार दी और ये ऐसा पूरा ब्लैंक वाला है। इसके बाद एक यहाँ पर ये भी हो सकता है, और क्या पॉसिबल है, इनको वापस कर दो, ये यहाँ पर रखो, यहाँ पर रखो ऐसे करके। कोई और पॉसिबिलिटी है, एक और है, कैसे, एक यहाँ बना दिया हमने, एक यहाँ बना दिया। तो ऐसे करके हमें जितनी भी पॉसिबिलिटी दिख रही थी हमने सारी बना दी। तो हमारे पास 3 लेवल्स थे और हमारे पास 2 पार्टिकल्स थे, हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, जहाँ रखना है वहाँ रख दो, ऐसे करके हमने ये सब देख लिया। इनके अलावा
आप जो भी बनाएंगे वो आई एम श्योर पहले बन चुका होगा, हम बना चुके हैं यहाँ पर, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है इसको दिखाने की, ठीक है। तो जो हमारे पास सिंपल सी बात यह है कि दो पार्टिकल्स को तीन स्टेट्स में हम इतनी तरह से अरेंज कर सकते हैं अगर कोई कंडीशन ना हो तो। जैसे मान लो आपको बोल दूँ कंडीशन है कि एक लेवल पे ना आपको एक ही पार्टिकल रखना है, अगर मैं ऐसी कंडीशन लगा दूँ कि एक लेवल पे एक ही रहेगा पार्टिकल, फिर तो ये तीनों अरेंजमेंट कैंसिल हो जाएंगे। बट अभी यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास ये वाला केस है और हमें बताना है कि नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस कितने होंगे या फिर आप कह रहे हो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी होंगी, तो इस वाले केस में नंबर ऑफ अरेंजमेंट को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। कितने केसेस आए हमारे पास, 3 + 6 = 9, तो इस वाले केस में हमने डब्ल्यू 9 निकाल लिया, ठीक है। अब मान लो मैं आपको बोलती हूँ कि हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स तो 3 ही हैं लेकिन पार्टिकल्स हैं लेट्स से 10, अब निकालो। तो ये तो आपने फिर भी साथ साथ कर लिया होगा, लेकिन आप ये नहीं निकालोगे किसी भी हाल में, क्योंकि मैंने बोला है कि 3 स्टेट्स हैं और आपको 10 पार्टिकल्स को अरेंज करना है। अब ये 10 पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं और बहुत ज़्यादा तरीके की अरेंजमेंट बन जाएंगी। चलो मान लो अभी तो हम प्रैक्टिस के मूड में कर भी लेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में कैसे करेंगे? अगर एग्ज़ाम में ये करने बैठे तो पहली बात तो करेंगे नहीं, करेंगे तो अगर करने बैठ भी गए तो बहुत सारे बनेंगे और बहुत सारे मिस भी कर देंगे, है ना। तो इसीलिए एक फॉर्मूला होता है, काम यहीं करना है। लेकिन बात यह है कि सिंपल जो ये चीज़ें हैं, 3 और 2 पार्टिकल रखने से रख दिए हमने उठा के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे कम पार्टिकल होंगे तो भी हम उनको अरेंज करके देख लेंगे, बट अगर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो फिर क्या करेंगे? तो उसके लिए उस टाइम पे एग्ज़ाम में सॉल्व करने के लिए या चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि अगर आपके पास ऐसा केस हो ना, एक तो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हों, ऊपर से उनको डिस्ट्रीब्यूट करने में कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, तो आप एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। और वो फॉर्मूला है, अगर आपको निकालनी है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो कि W है अपना, दैट विल बी इक्वल टू m^n। बस अगर आप ये करोगे ना तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। जो काम हमने ये किया इतना टाइम लगा के, वो ये वाला फॉर्मूला कर देगा। कैसे? जैसे मान लो इसी भी अप्लाई करते हैं, m क्या है, नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है, 3, n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 2, कितना हुआ, 9। तो हमने ये सब करके भी तो 9 निकाला है, इसीलिए ये वाला फॉर्मूला आता है अपने रेस्क्यू के लिए कि इसको यूज़ करो और काम खत्म हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे ये पूछती हूँ, मैं बोल रही हूँ कि 3 स्टेट्स आपके पास हैं, 10 आपके पास डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं, उनको अरेंज कर दो मैक्सिमम कितने वेज पॉसिबल हैं, तो हम कहेंगे W इज इक्वल टू m तो अपना 3 है, पावर 10 है, ऐसे करके। पूरा एग्जैक्ट नंबर आपसे कोई नहीं पूछेगा, बट हमने ये निकाल दिया, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आ गया, सही है। तो अभी ना हम यही करने वाले हैं कि पहले देखेंगे कंडीशन मतलब कैसे, क्या कौन सी वाली सिचुएशन है, उसमें वैसे हम थोरली जैसे लिख के मैनुअली कैसे करेंगे, और उसके बाद मैनुअली समझ लेंगे एक बार, फिर देखेंगे फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। क्लियर हो गया? ये वाला कब लगाओगे? पहली बात तो ये कि डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स होने चाहिए, उसके बाद जब उनको रिप्रेजेंट करें, उनको कहीं ना कहीं ऐड कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो उस टाइम पे कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो हमने पहले करके देख लिया ऐसे से करते हैं, फिर ये फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड ये है इसमें कि अगर आपके पास रिस्ट्रिक्शन हो, इस बार पहले कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी लेकिन इस बार रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करी जाएगी, तो यहाँ पे मैंने रिस्ट्रिक्शन लिखा। अब रिस्ट्रिक्शन में ना सबसे पहले तो है, सबसे फर्स्ट केस मैंने मान लिया कि सपोज करो इफ वन स्टेट कैन ऑक्यूपाई ओनली वन पार्टिकल। अगर एक स्टेट सिर्फ एक ही पार्टिकल को ऑक्यूपाई कर पाए तो हम नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कैसे बताएंगे? सेम रखते हैं, लेट से मैंने m इज इक्वल टू 3 लिया, m क्या है, नंबर ऑफ स्टेट्स, और n मान लो मैंने 2 ले लिया, n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और हम कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं? डिस्टिंग्विशेबल का। ये दोनों पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल है, अगर एक ऐसे है तो एक को हमने ऐसे मान लिया, ठीक है। तो इस वाले केस में कैसे करेंगे? स्टेट्स तो वही हैं, 3 बना दी मैंने, 2 पार्टिकल्स हैं। इस बार बात ये है कि एक स्टेट में ना आपको एक ही पार्टिकल रखना है, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते हो, कैसे करेंगे? तो आपको सिर्फ कंडीशन का ध्यान रखना है। लेट से मैंने यहाँ पर ये रखा, अब मैं इसमें दूसरा ये वाला पार्टिकल नहीं रख सकती, मुझे ये ऊपर रखना पड़ेगा क्योंकि एक स्टेट में एक ही रखना है। इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी है? इसको मैं नीचे रख दूँगी, इसको ऊपर रख दूँगी, और क्या पॉसिबिलिटी है? इसको यहाँ रखूँगी, इसको यहाँ रख दूँगी, ठीक है। और क्या पॉसिबिलिटी है? इसको ऊपर रखेंगे और इसको यहाँ रख देंगे। इसके अलावा कुछ है? एक और मुझे दिख रही है यहाँ पे, और यहाँ पर ये ऐसे,
इसके अलावा ये वाला नीचे और ये वाला ऊपर, इसके अलावा आई एम श्योर कुछ नहीं बनने वाला। तो ऐसे हमने देखा, मैनुअली बना के देखा है, कुछ ऐसे हमें अरेंजमेंट बनती हुई दिख रही हैं, है ना। तो ये वाला तो ईजी था। अगर मैं आपको अभी ये बोल दूँ कि स्टेट्स तो मान लो 5 हैं और पार्टिकल्स हैं लेट्स से 7, अब बताओ कितने ऐसे, इस वाले केस में डब्ल्यू कितना हो जाएगा, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 अरेंजमेंट पॉसिबल हैं। आप ये बताओ इसमें कितनी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स पॉसिबल होंगी। फिर से वही वाली बात है, पार्टिकल ज़्यादा दिख रहे हैं हमें, बहुत ज़्यादा बनेगा। तो ये वाला काम आप इनके लिए तो कर सकते हो, बट जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा, चाहे वो स्टेट्स बढ़े चाहे पार्टिकल्स बढ़े, फिर ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना। तो ऐसे वाले केस में भी एक फॉर्मूला होता है, जब ऐसे वाला सिनेरियो तब लगाना। आपको समझ आ रहा है ना कैसे अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई सीन है तो उसके लिए फॉर्मूला अवेलेबल है अपने पास, वो होता है W इज इक्वल टू m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n फैक्टोरियल। ये मैंने ना तो परम्यूटेशन बोल रही हूँ ना कॉम्बिनेशन में, कुछ नाम ले नहीं रही हूँ, हम सिंपल देख रहे हैं कि अच्छा ये वाला केस है, उसमें ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं, हमारे अकॉर्डिंग आंसर 6 आया है। तो ये सेम आंसर 6 ये वाला फॉर्मूला भी निकाल सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे W कैसे निकालेंगे, M क्या है, नंबर ऑफ स्टेट्स 3 है, मैंने लिखा 3 फैक्टोरियल अपॉन M माइनस N, यानी कि 3 माइनस 2 फैक्टोरियल कितना आएगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 तो 1 होता है, हो गया 3 × 2 फैक्टोरियल × 1 फैक्टोरियल, ऐसे ही करके कितना है आंसर 6। तो जो आपने ऐसे खुद से बना के निकाला है वही इस वाले फॉर्मूले ने भी निकाल दिया, ठीक है। तो आपको जो भयानक से फॉर्मूले दिखते हैं ना, उनको हम सिंप्लीफाई तो ऐसे ही कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप फॉर्मूला निकाल लगा के आंसर निकालो, आप बिना उसके भी निकाल सकते हो, लेकिन हमारी फिर एक लिमिटेशन है। हम छोटे मोटे पार्टिकल तो निकाल देंगे ऐसे बना के, बट जब इतना पूछ लेंगे सामने तो क्या करेंगे, या इससे भी ज़्यादा पूछ ले, मान लो मैं बोल दूँ 15 स्टेट्स हैं और कुछ 70 पार्टिकल्स हैं, अब बता दो फंस गए हम तो, बहुत बुरे फंसे फिर तो, है ना, बना ही नहीं पाएंगे ये सब। इसीलिए वैसे आप मैनुअली ऐसे बना सकते हो, बट जो आपने आंसर निकाले ना ऐसे करके, वो सेम आंसर आपको ये वाला फॉर्मूला भी निकाल के देगा। तो अब तक हमने दो फॉर्मूले पढ़े हैं, दोनों ही डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के केस में पढ़े हैं, ठीक है गाइस। एक और चीज़ है, अगर आपको एग्जाम में डिस्टिंग्विशेबल इनडिस्टिंग्विशेबल मेंशन ना कर रखा हो क्वेश्चन में, तो आप अपनी मर्जी से उसको डिस्टिंग्विशेबल मान के क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे, ठीक है। अगर डिस्टिंग्विशेबल इनडिस्टिंग्विशेबल मेंशन ना कर रखा हो तो आप डिस्टिंग्विशेबल मान के सॉल्व करके आएंगे। तो पहले वाला केस हमने देखा था, जब हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो तो बहुत सिंपल है, W इज इक्वल टू m टू द पावर n कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आते हैं, अगर हमारे पास रिस्ट्रिक्शन दे दी कि एक लेवल पे ना, मतलब एक स्टेट पे आपको एक ही पार्टिकल रखना है, उस वाले केस में हम ऐसे कर देंगे। आगे चलते हैं, पढ़ना हमें वही है, रिस्ट्रिक्शन की हम बात कर रहे हैं। ये वाला फॉर्मूला सिर्फ तभी लगेगा अगर एक स्टेट में एक पार्टिकल ऑक्यूपाई हो पाए तो, और किसकी बात कर रहे हैं, डिस्टिंग्विशेबल की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस सारी क्लास में हम डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल से डिस्कस करने वाले हैं, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, तो रिस्ट्रिक्शन वाले केसेस में एक केस हमने देख लिया कि एक स्टेट में एक ही पार्टिकल है। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि अगर आपको ऑक्यूपेशन नंबर गिवन हो, अब ये ऑक्यूपेशन नंबर क्या होता है, ऑक्यूपेशन नंबर को कुछ बुक्स में ऑक्यूपेंसी नंबर भी लिखा हुआ है, तो चाहे ऑक्यूपेशन नंबर हो चाहे ऑक्यूपेंसी हो, एक ही बात है, ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है। अगर आपको इसके लिखनी हो डेफिनेशन, फ्यूचर में कभी रेफर करने के लिए आप लिख सकते हो, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट कैन बी ऑक्यूपाइड इन अ पर्टिकुलर स्टेट, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट कैन बी ऑक्यूपाइड इन अ पर्टिकुलर स्टेट, दैट कैन बी ऑक्यूपाइड इन अ पर्टिकुलर स्टेट, उसको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशन नंबर, ठीक है। इसी को ऑक्यूपेंसी भी बोल देते हैं, मीनिंग सेम ही है। अब जैसे आप ये मान लो, मैंने आपको बोला फिर से वही कि हमारे पास ना स्टेट्स तो 3 हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं 2, और जो ऑक्यूपेशन नंबर है ना, ऑक्यूपेशन नंबर जो है वो है, उसको ऐसे दिखाते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, लेट्स से 3 to 1, इस तरह से ये आपको गिवन है। ऑक्यूपेशन नंबर को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, कर्ली ब्रैकेट लगा के बीच में कॉमा लगा के दिखाते हैं, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है वो समझते हैं। देखो, मैंने अभी बोला कि हमारे पास स्टेट्स कितनी हैं, 3 हैं ऐसे,
और पार्टिकल कितने हैं, टू पार्टिकल्स हैं। एक को ऐसे दिखा दिया मैंने, एक को ऐसे दिखा दिया। दिखाने का मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि आपको समझ में आए कि दोनों डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। ओके, अब ऑक्यूपेशन नंबर जो कि 3 to 1 दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि इन तीनों में से, ऐसा नहीं बोल रही कि फर्स्ट वाले में 3 रखने हैं, सेकेंड वाले में 2 रखने हैं, ऐसा नहीं कुछ भी। बात ये जो आपके तीनों लेवल्स हैं ना, उसमें से किसी, जो आपके तीनों ये स्टेट्स हैं ना, इनमें से किसी एक स्टेट पे 3 रखने हैं आपको। एक सेकेंड, 3 रखने तो ये कैसे होगा, फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ाने पड़ेंगे, 6 लिखो यहाँ पे, ये मान लेते हैं क्वेश्चन है, ठीक है। अभी 6 में देखना, ये सारे अलग अलग दिखाने पड़ेंगे फिर हमें, कुछ ऐसे मान लो, ये ऐसे, और कुछ को ऐसे मान लो, ऐसे, और कुछ में आप ऐसे मान लो, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, एक को ये मान लो। मान लेते हैं ये हमारे पास कितने, 6 पार्टिकल्स हो गए हैं, ठीक है। तो अब इसका मीनिंग ये है, ऑक्यूपेशन नंबर हमें गिवन है, इसका मीनिंग ये है कि इन तीनों स्टेट्स में से किसी एक स्टेट में आपको 3 रखने हैं, किसी और में 2 रखने हैं, और किसी एक में 1 रखना है। जैसे अगर मैं आपको ये बोलूं, पहले फिलहाल के लिए मान लेते कि हम नीचे वाले में 3 रखेंगे, तो जो मन करे वो चूज़ कर लो, फिलहाल के लिए मैंने ये 3 चूज़ कर लिए, ठीक है। ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, और यहाँ, ठीक है, ये 3 मैंने चूज़ कर लिए। तो किसी दूसरे में जो बाकी दोनों बचे, उसमें एक में 2 रखने, एक में 1 रखना है, तो मान लो मैंने यहाँ रखा ये वाला, और यहाँ एक ये भी रख दिया, ये, और फिर यहाँ पे ये। तो ऑक्यूपेंसी नंबर को हमने ये जस्टिफाई कर दिया कि हमने किसी एक स्टेट में 3 रखे हैं, किसी दूसरे स्टेट में 2 रखे हैं, और किसी में हमने 1 रखा है। आप ऐसे भी कर सकते हो, और आप क्या कर सकते हो, इसको यहाँ रख दो, इन दोनों को यहीं रहने दो, और इनको ऊपर पहुँचा दो, ऐसे ऐसे, ये भी पॉसिबल है। इसके अलावा और क्या पॉसिबल है, आप इन तीनों को यहाँ पहुँचा दो, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। ये सब कुछ पॉसिबल है, ऐसे ऐसे कुछ, देख पा रहे हो, तो हमें कुछ इस तरह से करना है। तो अगर आप ऐसे बनाने पे आओगे तो बहुत सारे बन जाएंगे। अभी आप ये देखो, मैं इन तीनों को साथ में लेके चल रही हूँ। अब इसका मीनिंग ये नहीं है कि आप हमेशा तीनों को साथ में ही रखोगे, ऐसे भी तो कर सकते हो कि मैंने इसको, इसको और इसको साथ में रखा, अभी भी एक लेवल पे 3 ही पार्टिकल अवेलेबल है, प्रेजेंट है ना। तो बात ये है, जब कोई ऐसा सीन हो जिसमें आपको नंबर ऑफ स्टेट्स भी गिवन है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी गिवन है, और ऑक्यूपेशन नंबर भी गिवन है, तो ऑक्यूपेशन नंबर का मीनिंग ये होता है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में कितने पार्टिकल आपको रखने हैं। अब यहाँ पे ये जस्टिफाइड नहीं होता कि आपको फर्स्ट लेवल में आपको 3 रखने हैं, सेकंड में, ऐसा नहीं है। बस ये कि जो 3 है ना हमारे पास, उसमें किसी में 3 रख देना, किसी में 2, किसी में 1, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो बहुत सारे अरेंजमेंट पॉसिबल हो जाएंगे फिर, ठीक है, क्लियर है ना। तो इसका आप ध्यान रखेंगे ऐसे वाले केसेस में। अब बनाने तो बहुत मुश्किल है, इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला कौन सा, देखो हमें तो W निकालना है। W इज इक्वल टू, देखने में लगता है कॉम्प्लिकेटेड, है नहीं, लेकिन देखो लिखा मैंने n फैक्टोरियल, क्या है, n हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, बाय में पाई आई इंटू n i फैक्टोरियल। अभी देख के वीडियो को बंद मत करना कि बहुत बेकार है, नहीं समझ में आ रहा, थोड़ी देर रुक जाओ। ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है। जैसे देखो n आपको पता है ना क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ये आपके लिए नया है, और हो सकता है ये वाला भी नया हो। जैसे ये चीज़ देखोगे, मैं आपको लिखूँ समीशन ऑफ i इज इक्वल टू 0 to 4, और यानी तो n i, क्या मीनिंग है इसका, इसका मीनिंग है ना कि मैं समीशन दिखाना है, यानी कि जो i की वैल्यू वो 0 से लेके 4 तक जा रही है, और ये क्या है, समीशन मतलब सम दिखाना है यहाँ पे, यही तो मीनिंग है इसका, ऐसे दिखाते हो, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ i इज इक्वल टू 0 से लेके 4, यहाँ पे n i, कैसे दिखाऊंगी मैं इसको, इसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। जैसे ये समेशन है वैसे ये प्रोडक्ट दिखाता है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है आपको। सो n 0 इंटू n 1 इंटू n 2 इंटू n 3 इंटू n 4, ये मीनिंग होता है, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया। इसके बाद ये फॉर्मूला हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए पहले हम यहाँ पे लिखो, यहाँ पे जो n i है ना, n i इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ith स्टेट, इन ith स्टेट, ये लिख लो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ith स्टेट, क्लियर है। अप्लाई करके देखते हैं, जैसे मुझे इस वाले केस मुझे समझ में आ रहा है कि स्टेट्स गिवन है मेरे पास, और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स भी गिवन है, और साथ में ऑक्यूपेशन नंबर भी अवेलेबल है कि एक में कितने रखने हैं, बट यहाँ तो बहुत सारे बन रहे हैं ये,
इसीलिए मैं इस वाले फॉर्मूले को लगा के निकालूंगी एक ही बारे में. W इज इक्वल टू n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच इज 6, सो 6 फैक्टोरियल अपॉन ये क्या है कि एक पर्टिकुलर स्टेट में कितने पार्टिकल्स हैं, चाहे ये वाले तीनों हों चाहे ये वाले तीनों, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मुझे ये पता है कि किसी एक स्टेट में तीन होंगे. अगर मैं किसी भी टाइम पे देखूंगी ना, कोई भी अपनी अरेंजमेंट देखूंगी तो उसमें किसी एक स्टेट में तीन होंगे तो मैंने लिखा 3 फैक्टोरियल, किसी दूसरे वाले स्टेट में दो होंगे मैंने लिखा 2 फैक्टोरियल, किसी थर्ड वाले में क्या होगा 1 फैक्टोरियल होगा, तो बस मैंने लिख दिया. ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, जाएगा 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल × 1 फैक्टोरियल. ये 3 से 3 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, और ये हो गया 30 × 2 = 60. तो यहाँ पर हमारे पास ऐसी ऐसी 60 अरेंजमेंट्स पॉसिबल होंगी. तो वो तो मेरे लिए बना के दिखा पाना पॉसिबल है ही नहीं, बट आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि जैसे हमने ये सिंपल तीन बना दिए थे, इतना सिंपल है नहीं, ये तीन हमने एक साथ पकड़ लिए थे, इसके अलावा बहुत सारे और भी बना सकते हो. हो सकता है आप इन तीनों को एक साथ रखो, हो सकता है आप इसको 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 रखो साथ में, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, बट ध्यान ये रखना है कि जब भी हम किसी भी अरेंजमेंट को देखेंगे तो वहाँ कुछ और कॉमन हो ना हो, एक चीज़ फॉर श्योर है कि किसी एक स्टेट में 3 पार्टिकल्स होंगे, बाकी दोनों में एक में 2 होगा, एक में 1 होगा. तो उस वाले केस में हम ये वाला फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन कर सकते हैं सॉल्व. ठीक है, अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लें. देखो, हमने कहा था कि हम डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स पढ़ रहे हैं, है ना. उसमें सबसे पहला केस हमने देखा था कि अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो और हमें नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालनी हो तो हम m^n कर देंगे. ये कब है, जब कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो. फिर हमने पढ़ा कि अगर कुछ रिस्ट्रिक्शन है और रिस्ट्रिक्शन कुछ ऐसी है कि एक स्टेट में एक ही पार्टिकल आ सकता है, डिस्टिंग्विशेबल ही पढ़ रहे हैं ध्यान रखना, एक स्टेट में एक ही पार्टिकल आ सकता है, तो उस वाले केस में तो बहुत सिंपल है, कैसे करते हैं, m फैक्टोरियल करेंगे अपॉन m − n फैक्टोरियल कर देंगे, खत्म. फिर हमने देखा इसी में कि रिस्ट्रिक्शन तो है लेकिन इस बार ऑक्यूपेशन नंबर हमें गिवन है, यानी कि इस जैसे पहले इस वाले केस में क्या था कि एक स्टेट में एक ही आ सकता है पार्टिकल, इस बार ऑक्यूपेशन नंबर गिवन है कि एक में एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं. तो उस वाले केस में हम निकालते हैं n फैक्टोरियल अपॉन पाई आई एन आई फैक्टोरियल. इसको देख के अगर कन्फ्यूजन है ना, आप एक काम करना, मैं तो ऐसे करती हूँ पर्सनली, कि मुझे पता है कि m और n तो मेरे को रट गया कि ये स्टेट्स हैं और ये पार्टिकल हैं, इसके अलावा जो ऑक्यूपेशन नंबर होगा ना उसमें कुछ ए बी सी करके लिखा होगा. तो जब भी मुझे फॉर्मूला बनाना, मैं क्या करूँगी, जो भी ये पार्टिकल्स हैं उनका फैक्टोरियल लूँगी और ये जो भी है ना उसका फैक्टोरियल लेना है मेरे को, बस ये. मैं जाऊँगी नहीं ये पाई वाई में सब कुछ, मैं सिर्फ इतने से करके काम चला लूँगी क्योंकि फॉर्मूला तो यही है. ठीक है, अब तक हमने इतना ही पढ़ा है. इसके बाद देखो, अभी तक आपके पास सिर्फ एक ऑक्यूपेशन नंबर गिवन था, अब हम चल रहे हैं आगे टाइप 2 पे. ऑक्यूपेशन नंबर ही देख रहे हैं हम, लेकिन क्या कर रहे हैं, टाइप 2 देख रहे हैं उसका. इस बार क्या है, मान लो मैंने आपको बोला स्टेट्स तो लेट्स से 3 हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6 हैं, डिस्टिंग्विशेबल है, ध्यान रखना वही पढ़ रहे हैं. इसके बाद जो आपका ऑक्यूपेशन नंबर है ना वो कुछ इस तरह से दे रखा है, एक तो अपना वही पहले वाला 3 to 1, उसके साथ साथ एक और दिया हुआ है ये. ठीक है, अब आपको बताना है कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस या फिर कितने डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली अवेलेबल हैं, कितने तरीके से आप उसको अरेंज कर सकते हो. तो अपना एक बात सुनो ध्यान से, 2 2 2 का मीनिंग है कि अगर हमने ये तीन स्टेट बना ली तो हर एक में 2 2 पार्टिकल आएंगे, तो हम ऐसे रखेंगे, है ना. और हम ये पहले देख कर आए हैं, ये वाला तो बिल्कुल सेम ही तो था, है ना. और हमने 60 निकाला था, क्या करेंगे, 60 + 1 कर दें, क्या 61 होगा इसका आंसर, नहीं. क्यों, क्योंकि सिर्फ ये नहीं बनेगा, ये तो मैंने सारे ही इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स दिखा दिए, एक्चुअल में तो सारे अलग अलग हैं ये. अगर ये एक ऐसे तो एक ऐसे होगा, एक मान लो कुछ ऐसे होगा, एक कुछ ऐसे है, एक कुछ ऐसे है, एक तो मान लो हम जैसे पहले माना था स्क्वायर है, ऐसे करके ये सारे अलग अलग है ना. तो आपने ये 2 2 2 तो दिखा दिया कि हर एक स्टेट में 2 2 दिखाने में दिखा दिए, लेकिन उसके अलावा और भी तो पॉसिबल है. मान लो मैंने इसके साथ स्क्वायर रख दिया, इसमें मुझे कोई गलत नहीं बोल सकता, ये भी ठीक है ना, ऐसे हम कर सकते हैं, समझो. तो इसमें भी सिर्फ एक नहीं होगा, बहुत सारे बनेंगे, इसीलिए जो पहले वाला फॉर्मूला था वही रहेगा, थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे. जैसे आप ये मान लो, जैसे मैंने आपको ए बी सी करके दिखाया ना अभी थोड़ी देर पहले, आप ये मान लो यहाँ पे कुछ एम एन ओ लिखा हुआ है. तो ऐसे वाले केसेस में जब आपके ऑक्यूपेशन नंबर ज़्यादा दे रखे हों, कैसे करेंगे, ऊपर तो वही रहेगा एन फैक्टोरियल, नीचे पहले इसको देख लो, ए फैक्टोरियल, बी फैक्टोरियल, सी फैक्टोरियल, बीच में प्लस लगा दो, फिर से वही एन फैक्टोरियल अपॉन. आप इनको ना इंडिविजुअली ट्रीट करो, हम इसको देख रहे हैं अभी,
ये एन फैक्टोरियल अपॉन एम फैक्टोरियल इंटू एम एन फैक्टोरियल इंटू ओ फैक्टोरियल, ऐसे करके करते हैं, करें ये वाला सॉल्व। मान लो ये क्वेश्चन आपके पास है, तो डब्ल्यू आपको निकालना है, हमें चाहिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हमने लिखा 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, बीच में लगाएंगे प्लस और फिर इसको कर देंगे 6 अपॉन 2 2 2। बताओ डिफिकल्ट है ये? नहीं है। अगर हम इस फॉर्मूले को ऐसे देखते हैं ना तो हमें लगता पता नहीं क्या है, लेकिन ऐसे देखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही मुझे। ठीक है, सॉल्व करना शुरू करो। ये हम कर चुके हैं, 60 आया था, इसको और कर लो 6 5 4 3 2, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल लिख लो, ये कैंसिल, 2 वन ज़ा ये भी कैंसिल, 6 30 33 90, सो 60 प्लस 90 कितना आया 150। तो इस वाले केस में टोटल 150 वेज में हम इनको अरेंज करके दिखा सकते हैं। क्लियर है? 150 वेज में इनको हम अरेंज करके दिखा सकते हैं। ठीक है, ऐसे होता है। तो ये हमने टाइप टू देख लिया कि अगर हमारे पास ऑक्यूपेशन नंबर जो है वो एक से ज़्यादा दे रखा हो, कुछ नहीं करना, बीच में प्लस लगाना है सिर्फ, फॉर्मूला तो वही रह रहा है अपने पास, बीच में सिर्फ प्लस लगा दो। ठीक है, ईजी है, ओके। इसके बाद एक आता है टाइप थ्री, और ये इंपॉर्टेंट है, टाइप थ्री इंपॉर्टेंट है। इसमें ना हमें ऑक्यूपेशन नंबर गिवन नहीं होगा, हमें खुद से निकालना है। तो इस वाले केस में टाइप थ्री में हमें ऑक्यूपेशन नंबर खुद से बनाना है, तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आजकल ना वैसे नेट गेट एक जैसा ही हो गया, आपने देखा होगा नेट का पेपर गेट जैसा सही बनता है, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बार देखो हमें ऑक्यूपेशन नंबर खुद से करना है, तो मैं ना आपको डायरेक्टली एक क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ, उससे हमें समझ में भी आ जाएगा, क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। इन हाउ मैनी वेज, क्वेश्चन लिखो, इन हाउ मैनी वेज कैन वी रीअरेंज, या कैन वी अरेंज, एक बार तो कर ले, रीअरेंज तो बाद में करेंगे, कैन वी अरेंज 4 पार्टिकल्स इन 3 एनर्जी लेवल्स, इन 3 एनर्जी लेवल्स, इन 3 एनर्जी लेवल्स ऑफ एनर्जी, ऑफ एनर्जी 0 ई एंड 2 ई, सच दैट देयर टोटल एनर्जी इज, देयर टोटल एनर्जी इज 4 ई। ये है क्वेश्चन। तो ऐसे वाले केसेस में ना आपको ऑक्यूपेशन नंबर खुद से निकालना होता है। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करा कि पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल हैं या फिर इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, तो हम खुद से उनको डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स मान लेंगे। ठीक है, जब भी पेपर में मेंशन ना कर रखा हो आप उसको डिस्टिंग्विशेबल मान के सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अभी देखो हमें दिख रहे हैं कि 3 एनर्जी लेवल्स हैं, यानी कि एम तो हो गया 3, है ना, और 4 पार्टिकल्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन हो गए 4। सही है ये? अब ना हमें लेवल्स की ना एनर्जी भी दे रखी है, जैसे मान लो इसकी एनर्जी 0 है, इसकी ई है और इसकी 2 ई है, ऐसे। आपको इन पार्टिकल्स को कुछ ऐसे अरेंज करना है कि टोटल एनर्जी 4 ई आए। अब कंडीशन तो लगी ना यहाँ पे कि कुछ इस तरह से अरेंज करो कि एनर्जी 4 ई आए, मतलब रिस्ट्रिक्शन वाला पार्ट है। रिस्ट्रिक्शन में हमने पहले देखा था कि एक स्टेट में एक पार्टिकल आ सकता है, वो वाला केस तो ये नहीं है। फिर हमने देखा था कि ऑक्यूपेशन नंबर गिवन होगा, वो भी नहीं दे रखा, तो फिर तो कुछ नया केस बन गया। इस बार हम खुद से निकालेंगे क्या ऑक्यूपेशन नंबर। देखो पहली बात, मुझे चाहिए टोटल एनर्जी 4E, तो उसके लिए काम करते हैं। एक बार बताओ, क्या मैं पार्टिकल्स को यहाँ दिखा सकती हूँ, चारों पार्टिकल्स को यहाँ दिखा सकती हूँ? अगर ऐसे दिखाया तो इस पार्टिकल की एनर्जी भी 0, इसकी भी 0, इसकी भी 0, इसकी भी 0, टोटल एनर्जी हो गई मेरी कितनी 0। मुझे तो 4 चाहिए थी, 4E चाहिए थी इनफैक्ट, है ना। तो ये अरेंजमेंट तो पॉसिबल नहीं है, अगर आपने ये बनाया काट दो उसको। आगे चलते हैं, एनर्जी तो है हमारे पास, मान लो मैंने यहाँ रख दिया सबको, काउंट करते हैं एनर्जी कितनी होगी। इसके लिए ई है, इसके लिए भी ई, इसके लिए भी ई, इसके लिए भी ई, सो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई, कितना हो गया 4E। मतलब जो मैंने ये बनाया ना ये बिल्कुल सही है, हम ऐसे कर सकते हैं। इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा ये है कि मैं दो पार्टिकल्स को यहाँ रख दूँ, यहाँ
इसके लिए एनर्जी कितनी है 2E, इसके लिए भी 2E है, ये होगा 4E, लेकिन पार्टिकल मेरे पास दो भी बचे हुए हैं। ठीक है, देखो अगर मुझे निकालनी है टोटल एनर्जी, इसके लिए 2E है, इसके लिए भी 2E है, तो ये तो 4 आ गया ना, लेकिन मेरे पास पार्टिकल अभी बचे हुए दो, टोटल मेरे पास 4 है, कहाँ रखूँ मैं उसको, यहाँ रख देती हूँ, क्योंकि इसकी भी 0 और इसकी भी 0, कितना आया 4E आ गया, मतलब ये वाली अरेंजमेंट भी मैंने बिल्कुल सही दिखाई है। क्या इसके अलावा हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? अगर आपको लग रहा है कि एक काम करते हैं हम यहाँ रख देंगे 3 पार्टिकल्स को, चलो ठीक है रख दो, ठीक है ऐसे अगर आप रखोगे, मान लो इसकी एनर्जी ई, इसकी भी ई, इसकी भी, तो कितना 3E हो गया, हमें सिर्फ 1E और ऐड करना है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, या तो आप फोर्थ को भी यहीं रखो, फिर तो ये बन जाएगा, अलग तो नहीं हुआ वो, यहाँ रखोगे सो 3E प्लस 2E कितना हो जाएगा 5E हो जाएगा, इसको यहाँ रख दोगे 3E प्लस 0 3 हो जाएगा, मतलब ये तो अरेंजमेंट सही नहीं है। हम सिर्फ ये दो ही अरेंजमेंट बना पा रहे हैं, या तो हम इस वाले लेवल में रख दें 4 के 4 पार्टिकल्स को, या फिर 2 को यहाँ रखें और 2 को यहाँ रखें, इसके अलावा तो कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, तो क्या इसका आंसर 2 होगा? नहीं, क्यों? क्योंकि 4 अलग अलग पार्टिकल हैं। ये चीज़ देखो, लेट्स से एक को मैंने ये ऐसे कर दिया, एक को ऐसे कर दिया, एक में ऐसे क्रॉस लगा दिया और एक को स्क्वायर ही बना दिया, तो ये तो वैसे के वैसे रहेंगे, इसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हो, आगे पीछे कोई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनर्जी तो ई रहने वाली है, बट इसमें वेरिएशन आ सकते हैं, इसमें एक ऐसे हो सकता है ये, इस साथ हो सकता है ये वाला हो, और ये यहाँ पर और ये स्क्वायर, और भी हो सकते हैं, कैसे? मान लो मैं यहाँ पर रखूँ, स्क्वायर को यहाँ रखूँ, इन दोनों को यहाँ पहुँचा दूँ ऐसे करके, इसके अलावा और भी हम बहुत सारे बना सकते हैं, है ना, लेकिन एक चीज़ हमें दिख रही है कि यहाँ से ना हम ऑक्यूपेशन नंबर बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे वो देखो, ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है, सिर्फ ये दोनों हैं। इस वाले केस में जो फर्स्ट लेवल है अपना ये वाला, इसमें कितने पार्टिकल है? एक भी नहीं है, तो मतलब 0, मैं क्या बना रही हूँ? ऑक्यूपेशन नंबर 0। इस वाले में कितने हैं? 1, 2, 3, 4। इस वाले में कितने हैं? 0। तो ये मेरा बन गया एक ऑक्यूपेशन नंबर। अब मैं यहाँ पर आई, मुझे इसके लिए बनाना है, कितने हैं पहले वाले लेवल में? 2 है, मैंने 2 लिखा, फिर कितने हैं? 0, मैंने 0 लिखा, वापस से 2 है तो मैंने 2 लिखा, तो ऐसे करके ना मेरे पास ये 2 ऑक्यूपेशन नंबर बन गए हैं, तो मैं इनके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगी। मुझे इसके लिए अलग अलग रीअरेंजमेंट बना के देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक बार फिल करके देखूंगी कितने केसेस पॉसिबल हैं, 4E एनर्जी लाने के लिए कितने केसेस पॉसिबल हैं, मैंने बना के देखे, सिर्फ 2 ही बन रहे हैं, तो इसके अलावा मैं ये सब वहाँ पे गेम नहीं खेलूंगी एग्जाम में बैठ के, मुझे फटाफट से आंसर सॉल्व करना है ना, तो ये तो चलो ठीक है, तो एक ही रहने वाला है, बट इसमें तो केसेस अलग अलग आएंगे, है ना, वो मुझे देखने पड़ेंगे, क्लियर है? तो अब हमारे पास 2 ऑक्यूपेशन नंबर हैं, स्टेट्स हमारे पास हैं और पार्टिकल्स हमारे पास हैं, लगाओ फॉर्मूला, कौन सा लगाएंगे? डायरेक्ट सिंपल, देखो W इज इक्वल टू नंबर पार्टिकल्स कितने हैं? 4 हैं, 4 फैक्टोरियल पाई में, इसके लिए देखो पहले 0 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, ठीक है, तो यहाँ तो ये 1 ही हो गया, ध्यान रखो 0 फैक्टोरियल 0 मत कर देना, 1 होता है 0 फैक्टोरियल, ठीक है, तो ये तो 1 आ गया, वो तो मैं दिख रहा था कि तो सिर्फ ऐसे वाले सिर्फ एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है, यहाँ पर आएंगे वेरिएशंस, प्लस 4 × 3 × 2 अपॉन 2 × 2 फैक्टोरियल, ऐसे कट करो 1, 2, 6 आ गया, 6 + 1 कितना हो गया? 7 हो गया, ठीक है 6 + 1 7 हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास 7 अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं, सो W विल बी इक्वल टू 7, क्लियर है, ऐसे हम करते हैं, क्लियर हो गया। अब अगर आपको ये भी समझ में आया है क्वेश्चन, तो इसके बाद मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया, 2 से 2 कट हो गया और 2 1 2 2 2, हाँ ठीक है 7 आएगा। अगर आपको समझ में आया अभी तक जितना हमने पढ़ा है, तो अपना ये आप एक क्वेश्चन करेंगे, ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, इसको आप होमवर्क समझेंगे अपना और खुद से सॉल्व करेंगे, और सिंसियरली सॉल्व करना, ठीक है, नो चीटिंग। मैं आपको थोड़ा सा हिंट देती हूँ, अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 4 आइडेंटिकल एंड डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, सो n इज इक्वल टू 4 हो गया, ईच पोजेसिंग 3 अवेलेबल स्टेट्स, यानी कि m इज इक्वल टू 3 हो गया, ऑफ 1, 2 and 3 यूनिट्स हैज़ 10 यूनिट्स ऑफ एनर्जी, यानी कि हमारे पास ये हैं, ठीक है 3 स्टेट्स हो गई, एक की एनर्जी 1 यूनिट है, दूसरे वाले की 2 यूनिट है, तीसरे वाले लेवल की 3 यूनिट एनर्जी है, और जो ये पूरा सिस्टम है इसके पास टोटल 10 यूनिट्स ऑफ एनर्जी है। आपको बताने हैं हम कितने वेज में
इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। इससे पहले मैंने क्वेश्चन करवाया है, बिल्कुल वैसा सही है, ये क्वेश्चन पूछा गया था CSIR नेट दिसंबर 2011 में, कैसे करोगे सॉल्व। हमने चार केसेस देखे, पहला केस जहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, हमने सिंपल बोल दिया W इज इक्वल टू m टू द पावर n होगा। फिर हमने कहा अगर एक लेवल में, अगर एक स्टेट में एक ही पार्टिकल होगा तो हम कह देंगे m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n फैक्टोरियल। फिर हमने कहा कि अगर ऑक्यूपेशन नंबर गिवन होगा तो हम कहेंगे n फैक्टोरियल अपॉन ni फैक्टोरियल, है ना। उस बार हमने देखा कि अगर अलग अलग ऑक्यूपेशन नंबर होंगे तो इसमें ऐड करते हुए चलेंगे हम। फिर हमने देखा कि अगर ऑक्यूपेशन नंबर है ही नहीं, हम खुद से बना लेंगे, है ना। तो ये कौन सा वाला क्वेश्चन है जिसमें हमको खुद से बनाने हैं ऑक्यूपेशन नंबर, तो पहले काम आप वही करो, पहले ऑक्यूपेशन नंबर बनाओ फिर लगा देना ये वाला फॉर्मूला। तो ये आप होमवर्क में करेंगे और सिंसियरली सॉल्व भी करेंगे, और सॉल्व करने के बाद मुझे कॉमेंट सेक्शन में अपना आंसर भी बताएंगे, ऑप्शन ए बी सी डी बताना कौन से वाला होगा, ठीक है। बस फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और तब पहले हम ये क्वेश्चन करेंगे और फिर डिस्कस करेंगे इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, ठीक है। आई होप ये वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हैप्पी लर्निंग।